नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले डालिए नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। काशी में शुरू हुआ 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस समारोह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सीएम योगी ने किया उद्घाटन। कल पीएम मोदी सम्मेलन में करेंगे शिरकत। पौष पूर्णिमा का पुण्य स्नान, कुंभ में दूसरे शाही स्नान के मौके पर दिखा आस्था का सैलाब, संगम तट पर कल्पवास शुरू। कांग्रेसी पार्षदों ने भोपाल लोकसभा सीट से जीत का निकाला फॉर्मूला, बीजेपी को हराने के लिए करीना कपूर को चुनाव लड़ाने की पेशकश। और इस बीच बड़ी खबर कानपुर से, जहां चौबेपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। कानपुर से बड़ी खबर, चौबेपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चौबेपुर पुलिस और एसटीएफ ने शराब में पकड़े प्रयोग किए जाने वाले केमिकल से भरा ट्रक पकड़ा। कृष्णा इंस्टीट्यूट के पीछे टैंकर ड्राइवर टैंकर को करा रहा था खाली। सूत्रों की माने तो कॉलेज के पीछे चलता है शराब बनाने का बड़ा कारोबार। पुलिस को कई दिनों से शराब बनाने की मिल रही थी जानकारी। और इधर प्रयागराज के कुंभ मेले में पौष पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कुंभ मेले का ये दूसरा स्नान पर्व है। पौष पूर्णिमा पर कुंभ मेले के संगम पर तकरीबन 70 से 75 लाख श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने की संभावना है। पौष पूर्णिमा पर अखाड़ों का शाही स्नान होगा और संत महात्मा व श्रद्धालु सादगी से संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस पवित्र स्नान में बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक शामिल हैं, जो कपकपाती ठंड में दूर से आए हैं। आस्था और विश्वास के पर्व पर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रात 12 बजे से यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ ही संगम की रेती पर एक महीने का कल्पवास भी शुरू हो जाएगा। हम आपको बता दें कि तकरीबन 10 से 12 लाख श्रद्धालु कुंभ में लगातार एक महीने तक रुककर नियम व परंपराओं के मुताबिक संगम स्नान करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही बेटियों को सुरक्षा देने के लिए कितने ही सख्त कदम क्यों ना उठा ले, पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जिस पुलिस पर मंचलों पर कार्यवाही करने का जिम्मा हो, वही छेड़छाड़ करे तो कार्यवाही कौन करेगा। मामला कानपुर के बरा थाना क्षेत्र का है, जहां एक मकान के मालिक और किराएदार के बीच पैसा चोरी को लेकर विवाद चल रहा था। किराएदार की तरफ से उनसे उनके मिलने वाले एक दरोगा मनीष कुमार वाजपेयी पहुंचे थे। उसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद होने लगा, जिस पर दरोगा ने मकान मालिक की बेटी से छेड़छाड़ कर दी। युवती ने विरोध किया तो नशे में धुत दरोगा ने युवती को बीच सड़क में पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद युवती को पीटता देख मौके पर मौजूद लोगों ने दरोगा की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। अब आप देखना होगा कि इस मामले में कोई कार्यवाही होती भी है या फिर नहीं। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध लाला लाजपत राय अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ तो मिल रहा है, पर इसके बावजूद अस्पताल को इसका क्लेम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ये मरीजों के लिए मुसीबत का विषय बन सकता है। हालांकि 20 जनवरी को आए स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री सिद्धनाथ सिंह का दौरा भी हुआ, पर इसके बावजूद इस मसले पर कोई बात नहीं हो सकी। प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आर के मौर्या की माने तो अब तक महज 6,000 रुपये क्लेम ही मिल पाया है। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को सर्किट हाउस में इस संबंध में प्रमुख सचिव के साथ बैठक का होना तय हुआ है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता है, वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। वहीं बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री और पार्टी के बड़े नेता कई कार्यक्रमों का आयोजन कर विपक्ष को घेरने और मतदाताओं में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां इसी के चलते भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कानपुर देहात में
एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष द्वारा किए गए गठबंधन पर सवाल करते हुए जमकर हमला बोला। साथ ही इस गठबंधन को भाजपा और मोदी के खिलाफ नहीं देश के खिलाफ बताया। इसके साथ ही बीजेपी विधायक साधना सिंह द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती पर की गई अभद्र टिप्पणी पर बचाव करते नजर आए और कहा कि बीजेपी नेताओं को अशोभनीय बयानों से बचना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहिए, असंसदीय भाषा को नहीं बोलना चाहिए। यह हमारी संस्कृति भी नहीं है, हमारा कल्चर भी नहीं है, इसलिए इससे बचना चाहिए। यह दूसरे का कल्चर हो सकता है, सपा बसपा का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कल्चर, भारतीय जनता पार्टी की बोलचाल एक मर्यादित ही होनी चाहिए और मर्यादित तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए। उन्नाव के अचलगंज थाने के अंतर्गत किसानों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए अनोखा रास्ता निकाला, जहां खन्ना पूर्वा और सर्वागर दो सरकारी विद्यालयों का ताला तोड़कर करीब 250 आवारा जानवरों को विद्यालय में बंद कर दिया। इस मौके पर किसानों का कहना था कि सरकारी बैंकों से कर्जा लेकर हम अपना पेट काट कर खेती करते हैं, लेकिन ये आवारा जानवर हमारी फसलों को नष्ट कर देते हैं। इस बारे में कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। कलय में इसलिए बंद किया गया है कि यहाँ जनता, किसान गरीब है, सब कर्जा लेकर के क्रेडिट कार्ड से पैसे लेकर के ज़मीन का काम करती है और ये पशु मवेशी जो हैं ये सारी फसल को नष्ट करते हैं। हम लोग यहाँ देखते रहते हैं कि गांव की पूरी जनता रात भर दिन रात मेहनत करती, ताकती अपने खेत को, फिर भी वो ज़बरदस्ती फांद फांद करके तार लगे हुए खेतों में फांद के चढ़ जाते हैं। कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट चालू होने वाला है, जिसमें दो वेसल के प्लांट अस्पताल को मिल गए हैं। प्राचार्य डॉक्टर आरती लाल चंदानी ने बताया कि तीन के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिनमें दो की मंजूरी मिल गई है, जबकि मेडिकल कॉलेज से संबद्ध कैंसर अस्पताल व कार्डियोलॉजी में सिस्टम चालू है। साथ ही मुरारी लाल चेस्ट अस्पताल को इंस्टीट्यूट बनाने की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। हम लोग पूरे स्टेट में बहुत सारी चीजों में नंबर वन है। कई चीजें तो जहाँ शुरुआत भी नहीं हुई हमारे यहाँ हो गई है। एक तो सबसे बड़ी चीज है और सबसे अच्छा ये डेवलपमेंट है कि हमारे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट दो जगह का चालू हो जाएगा अभी एक वीक के अंदर, क्योंकि उसमें सबसे डिफिकल्ट होता है कि पूरा स्टेप्स के थ्रू इंस्टॉलेशन करना, वेरियस स्टेप्स में बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है और इंस्टॉलेशन के बाद उसकी देखरेख होनी चाहिए, तब उसका लाइसेंस मिलता है पैसों से, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव डिवीजन से, ऑर्गेनाइजेशन से ये मिलता है। वो हमें मिल गया है लाइसेंस दो वेसल का। ये बहुत ह्यूज ऑक्सीजन प्लांट के वेसल्स होते हैं, 10,000 लीटर कैपेसिटी होती है करीब, और हमारे सबके यहाँ तो एक एक सेंक्शन हुआ, हमारे यहाँ तीन हुआ। बड़ा आदमी बनने का सपना देखने के लिए कानपुर देहात में दो नवयुवक अवैध शराब माफिया बन गए। पकड़े गए युवक अवैध नकली शराब बनाकर शराब के ठेकों में सप्लाई करने लगे। अवैध शराब की सूचना पर पुलिस ने दोनों नवयुवकों आरोपियों को धर दबोचा और पकड़े गए आरोपियों ने जल्द बड़ा आदमी बनने का फैसला देख रहे थे, ऐसा बताया। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के सेठमरा में सरकारी शराब ठेका पर सेल्समैन अभय और निखिल अवैध नकली शराब की बिक्री किया करते थे। अभय बतौर सेल्समैन की नौकरी करता था, लेकिन अभय और निखिल के शौक बड़े थे, इसलिए दोनों को शराब के ठेके से ईमानदारी से उनका खर्चा नहीं चल पाता था, तो दोनों ने योजना बनाकर बड़ा आदमी बनने का सपना देखा और अवैध धंधे में जुट गए। उस समय शराब तुम्हारी गाड़ी में थी? गाड़ी में 10 बैठी थी। कहा था देसी शराब का, तो उसी के सेल्समैन और जिसके नाम ठेका था उसके लड़की को गिरफ्तार किया गया। ये उसके साथ कुल 42 अदद पेटी मिस्टर इंडिया ब्रांड, ये कई अदद पेटी माधुरी ब्रांड, 5 अदद पेटी पीकेआई ब्रांड,
कुल 68 पेटी जो है शराब जो है क्वार्टर बरामद किया गया, और जब इसकी जांच की गई एक्साइज टीम के माध्यम से तो ज्ञात हुआ कि जो इस पर रैपर लगा हुआ है वो रैपर नकली है, फर्जी है। थाना बर्रा नवस्ताना सुभाष क्षेत्र के एक सनी नाम का व्यक्ति है, वो सप्लाई करता था, वहाँ से ले आता था और यहाँ अपने जो है जो ठेके की दुकान थी वहाँ रख करके बेचता था। फतेहपुर जिले में अतिक्रमण विरोधी अभियान के विरोध में सदर विधायक विक्रम सिंह द्वारा कोतवाली में धरना दिया गया और इस दौरान उनकी डीएम से नोकझोंक भी हो गई। शहर में पिछले 5 महीने से चल रहा अतिक्रमण विरोधी रोक दिया गया है और जिले में दरअसल मनमाने तरीके से अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है और इस मामले में विधायक और डीएम के बीच जमकर बहस हुई, जिसके बाद इस अभियान को रोक दिया गया। जहां दौरे पर आए प्रभारी मंत्री सत्यदेव पचौरी से इस मामले में सवाल किया गया तो मंत्री जी भी बगले झांकने लगे। प्रधानमंत्री जी जब बनारस में थे तब हमने दिया था 2001 से 5 करोड़ का लोन दिया था 34,000 लोगों को। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से, जहां एसटीएफ कानपुर की टीम को मिली बड़ी सफलता। राष्ट्रीय स्तर पर शराब की तस्करी करने वाले 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। 20,000 लीटर स्पिरिट के साथ एक टैंकर किया बरामद। कई महीने से इलाके में चल रहा था नकली शराब बनाने का धंधा। चौबेपुर थाना क्षेत्र के रामनगर से हुई ये गिरफ्तारी। चौबेपुर पुलिस के संरक्षण में हो रहा था जहरीली शराब का ये खेल। बड़ी खबर कानपुर से, एसटीएफ कानपुर की टीम को मिली बड़ी सफलता। और इस पर बात करने के लिए एसपी एसटीएफ सत्यदेव यादव हमसे जुड़ चुके हैं। जी जाना चाहूंगी, जिस तरह से ये सफलता मिली है आपको, बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? मैम देखिए, ये पिछले कई दिनों से ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि विभिन्न प्रांतों से रेक्टिफाइड स्प्रीट की तस्करी कर करके उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लाया जा रहा है और जिसको अवैध शराब बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। उक्त सूचना को विकसित करके एसटीएफ ने आज रात में, बीती रात जो है, दबिश दी और वहां ये 20,000 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रीट बरामद करने में सफलता प्राप्त की। जी, जैसा कि 2 तस्करी करने वाले 2 आरोपी भी पकड़े गए, क्या कुछ संभावना लगती है, किस तरह की अब जानकारी आगे सामने आ सकती है, कितनी बड़ी सफलता के तौर पर मानते हैं आप इसे? मैम ये बहुत महत्वपूर्ण सफलता है क्योंकि ये जो डिस्टिलरी है वहाँ पे ये वैध रूप से निर्गत कराते हैं। ये जो स्प्रीट है ये असम प्रांत के लिए निकला था लेकिन बीच में ही इसको डाइवर्ट कर देते हैं और उससे भारी धनराशि, राजस्व की भी हानि होती है, साथ ही इनको काफी फायदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें, कानपुर एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां राष्ट्रीय स्तर पर शराब की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 20,000 लीटर स्प्रिट के साथ एक टैंकर बरामद किया गया है। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल।
लिए 16वां सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन, जहां होगा 51 बहनों का शुभ विवाह। 3 फरवरी 2019 रविवार को प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक मोतीझील लॉन कानपुर में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आयोजक श्री सुनील ब्रह्मचारी जय बाबा योगेश्वर सेवा समिति। कानपुर में सभी ब्यूटीज और टियरीज के लिए सिंघम फिल्म्स लेकर आए हैं एक सुनहरा मौका, दीवा क्राउन 2019। ऑडिशंस 20 जनवरी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एट केडी पैलेस कानपुर। जानकारी के लिए संपर्क करें इन नंबर्स पर। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के गोविंद नगर में रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने युवा कायस्थ खिचड़ी भोज का आयोजन किया। इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कानपुर शहर के अलावा आसपास के कस्बों व जिलों से भी लोग आए। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से जब पूछा गया कि कानपुर दक्षिण इतना बड़ा होने के बावजूद कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं है, इस पर उन्होंने जल्द ही अस्पताल की सुविधा मुहैया कराने की बात कही। साथ ही जब पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती पर जो टिप्पणी की गई, क्या वो सही है, इस पर उन्होंने कहा कि वो गलत टिप्पणी है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने के खिलाफ है। महासभा का आज एक कार्यक्रम जो खिचड़ी वार्षिक एक कार्यक्रम होता है, उसमें मैं आया हूँ और एक तरह से परिवार के बीच में आया हूँ, परिवार के लोगों से सबसे मिला हूँ। कुछ अच्छे कार्यक्रम भी मैंने देखे हैं और उन कार्यक्रम को देखते हुए और युवाओं के देखे हैं, बच्चियों के देखे तो बहुत आनंद आया। कानपुर में 12 साल पहले ट्रांसपोर्टर पिता की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी दोनों बेटों व रिश्तेदारों समेत 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया है। वहीं 7 आरोपियों के साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि नौबस्ता के शंकराचार्य नगर के रहने वाले जगत बलि यादव ट्रांसपोर्टर थे। वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की कार्यकारिणी में पदाधिकारी भी थे। 6 सितंबर 2007 की रात तकरीबन 8 बजे वो घर जाने के लिए स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे। उसी वक्त स्कॉर्पियो से आए शूटरों ने उनके सिर से सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। आनंदपुरी चौकी के पास हुई इस घटना की रिपोर्ट बेटे अजय यादव ने बाबूपुरवा थाने में दर्ज कराई थी। तत्कालीन बाबूपुरवा इंस्पेक्टर जयराम सिंह ने 5 आरोपियों मयंक तिवारी, अमित यादव काले उर्फ उभय भान, गोपाल यादव और दीपक जादौन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एसओजी ने सर्विलांस पर आरोपियों के फोन टैप किए, जिसके बाद हत्या की असलियत सामने आ गई थी।
एक हत्या हुई थी ट्रांसपोर्टर की, ट्रांसपोर्टर थे मिस्टर जली जगत बली यादव। तो हत्या के बाद उनके एक बेटे ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा लिखाया। दो तीन दिन बाद कुछ लोगों को शक हुआ कि ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने कप्तान से शिकायत की कि जिसने मुकदमा लिखाया हमें शक है कि इसी लड़के ने ही अपने भाई के साथ मिलकर हत्या कराई है। कप्तान साहब ने उस मामले को ट्रांसफ़र कर दिया SOG को, परंतु जो मुकदमा कायम हुआ था उस समय की थाना पुलिस मिली हुई थी उससे वादी से, और उसने अज्ञात मर्डर को खोलने के लिए आनन फानन में 5 लोगों को जो निर्दोष लोग थे उनको अरेस्ट करके उन पर बरामदगी दिखा के उनको जेल भेज दिया। बाराबंकी में योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ही सरकार पर कुंभ मेले में पैसों की बर्बादी और राम मंदिर के मुद्दे पर घेरा। मंत्री राजभर ने कहा कि पिछली सरकार ने 900 करोड़ खर्च किए थे, लेकिन मौजूदा सरकार ने 5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। राजभर ने अपनी ही सहयोगी बीजेपी सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि 24 फरवरी को सम्मेलन कर लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करूंगा। कानपुर के प्रोडक्शन हाउस सिंघम फिल्म्स के तत्वावधान में 9 दीवा क्राउन के ऑडिशन का आयोजन मैक्रोबर्टगंज स्थित एक गेस्ट हाउस में किया गया, जिसमें शहर की भावी मॉडल्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत 9 दीवा क्राउन 2019 सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में उन्हें एक मंच प्रदान करने जा रहा है। ऑडिशन में शहर की करीब 250 महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिंघम फिल्म्स के निदेशक विक्रांत श्रीवास्तव, आकाशवाणी की उद्घोषिका रंजना यादव और सुमित गुप्ता आदि मौजूद रहे। आप देख सकते हैं हमारे बगल में इट्स दीवा क्राउन 2019, ये ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट है हमारा। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरीज में फीमेल को रखा हुआ है, ये है प्रिंसेस, क्वीन एंड क्वीन क्लासिक। हर एक का एज क्राइटेरिया हमने अलग अलग रखा हुआ है। दूसरी जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम क्योंकि कानपुर की ब्यूटी को ग्रोथ करना चाहते हैं, उनकी ब्यूटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लोगों के सामने लाना चाहते हैं, इसलिए हमने कोई भी मॉडल नहीं रखी हुई है। आप खुद भी देख सकते हैं अंदर जाके कि हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं वो नॉर्मल घर से आए हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.